पटेल नगर मंडल के सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का बेगम बाग शिव मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरोजनी अग्रवाल, सत्य प्रकाश अग्रवाल व बलराज गुप्ता ने नव नियुक्त मंडल उपाध्यक्ष अरुण शर्मा को सम्मानित किया और सभा में CAA को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। अपना पूरा समय लगाते हुए, पूरा सहयोग करते हुए जो जो भी कार्यक्रम हमारे पास आ रहे हैं उन कार्यक्रमों में पूरा सहयोग दें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगे CCA का जो मामला चल रहा है वो आप सब जानते हैं, मसाली जो भी हैं, लेकिन सीधा सीधा ये है कुछ लोग जो लोग अपराधिक हैं या जो लोग यहाँ जमा करते हैं उनको बाहर करने का जो ये कानून बना हुआ है, कानून के तहत उनको बाहर करना, कोई कानून मुसलमानों को बाहर नहीं करना। हमें जो लोग वहाँ पीड़ित हैं उनको लाकर जन डाक्टर देने ये काम करना, लेकिन कुछ लोग बवाल कर ताकि इसका विरोध कर भी है और प्रेस करके भी किया और बड़ी भ्रम की स्थिति फैलाई। प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस में एक बार एक जगह लखनऊ में कहा कि ये अब मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं जब ये NRC करेंगे उस गणना में उनसे कागज मांगेंगे, उनसे जमीन के कागज मांगेंगे, उनसे सनसी के कागज मांगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल उनको भड़काने के लिए, उनको बरगलाने के लिए कि वो इसका विरोध करें, इससे इस तरीके की बातें बनाई गई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। उन्हें लगता है कि मुसलमान उनके साथ एकजुट हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से और विरोध में आ जाएगा, केवल इस सोच के साथ। क्योंकि माने मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बिल पास किया, उससे बहुत सारी महिलाएं मोदी जी के समर्थन में आ गई और बहुत सारे काम जितने भी हमारी लाभकारी योजनाएं चली उनका लाभ मुसलमानों को बराबर मिला। ये पूछ कर नहीं मिला कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, हर व्यक्ति को मिला और बराबर मिला। तो उत्पाद से घबरा कर अब इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे नहीं है तो इस तरीके के बिल का जिसमें कहीं भी कोई गलती नहीं थी, परेशानी नहीं थी, कमी नहीं है, उसका विरोध किया और सड़कों पर इन्होंने पुलिस में ये चौकियां फूकी, इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। लेकिन मैं अपने इस मंच के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत भारी सराहना करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बयान दिया कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसके घर की पुष्टि करके उसको उसका जो नुकसान है उसे पूरा किया जाएगा। और यही वजह हुई बहुत जल्दी ये गंदगी साफ हुई, ये बस फूकना चौकी फूकना एकदम बंद हो गया। तो ये माने मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है कि आगे भी कोई कभी ये हिम्मत नहीं करेगा कि बिना वजह लिया दंगा कर दिया, चौकी फूक दी, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, बस फूक दी, ये नहीं करेगा।